जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आप सबसे बात करने आई हूँ ऋषि पंचमी को लेकर। बहुत ही खास उत्सव होता है ये, बहुत ही खास दिन होता है ये ऋषि पंचमी। या भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन, यानी कि हरतालिका तीज के दो दिन बाद और गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाई जाती है ऋषि पंचमी। तो अगर हम अभी के अकॉर्डिंग देखें तो ऋषि पंचमी का दिन अगस्त या सितंबर में ही मोस्टली आता है। तो ऋषि पंचमी यानी कि सप्त ऋषि, सात ऋषियों को सम्मान देने और महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान हुए दोष से शुद्ध होने के लिए महिलाएं द्वारा मनाया जाने वाला एक विशेष व्रत है, एक विशेष पर्व है। तो इस साल ऋषि पंचमी हम सब बुधवार के दिन यानी कि 20 सितंबर 2023 को हम सब मनाएंगे। ऋषि पंचमी पूजा विधि क्या है, ऋषि पंचमी का व्रत विधि क्या है और ऋषि पंचमी की कथा क्या है, ये सब मैं आपको बताने आई हूँ। क्योंकि जाने अनजाने कितनी भी हम साफ सफाई से काम करें, कितना भी हम स्वच्छता के साथ काम करें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई त्रुटि और भूल चूक हमसे हो ही जाती है। अब साल भर इतने सारे त्यौहार होते हैं और हम हमेशा बिल्कुल एक छोटी सी भी चूक ना हो ये ध्यान रखते हुए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ भगवान ने ऐसे नियम बताए हैं जिससे जाने अनजाने कभी विवशता की वजह से हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई और नहीं होता है हमारी मदद करने के लिए। तो अगर ऐसा जाने अनजाने आपसे भी हुआ है तो ऋषि पंचमी का पर्व आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। इस साल ऋषि पंचमी, जैसा कि मैंने कहा कि हम सब मिलकर 20 सितंबर को मनाएंगे, ये क्यों मनाई जाती है ऋषि पंचमी, हम सब क्यों मनाते हैं? देखिए, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, उच्च स्थान दिया गया है, और शरीर और आत्मा को शुद्ध बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश भी हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान यानी कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है, और इसीलिए इस अवधि के दौरान महिलाओं को रसोई में खाना पकाने या किसी भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। अब देखिए, पुराने समय में क्या होता था, जॉइंट फैमिली में रहते थे तो अगर एक फीमेल को दिक्कत है तो दूसरी फीमेल किचन पूरा संभाल लेती थी, लेकिन आजकल तो हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रहने की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि एक ही फीमेल है घर में, अब तबीयत ठीक हो या ना हो, घर में कोई पर्व है तो जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो ही जाती है। तो इन दिशा निर्देशों की अपेक्षा करने से क्या होता है, रज्वस वाला दोष बढ़ जाता है, और इस दोष से छुटकारा पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। और जब भी ऐसा होता है, जिस भी स्त्री के साथ होता है, तो आप देखेंगे कि जब भी घर में पूजन होगा तो उस स्त्री को जरूर, हमेशा मोस्टली देखा गया है कि पीरियड्स जरूर हो जाते हैं। जब भी ऐसा हो तो समझ जाइए आपकी जन्म कुंडली का देवगुरु बृहस्पति खराब हो गए हैं, या आपने उससे पहले जाने अनजाने इन्हीं दिनों में कोई पूजा का कार्य कर लिया था, जिस वजह से अब ये दिक्कत आपके लिए बढ़ती ही जा रही है। तो कहीं कहीं तो देखिए, ये जो है 3 दिवसीय यानी कि हरतालिका तीज का व्रत ऋषि पंचमी को ही समाप्त होता है, पूरे 3 दिन का लोग कई जगहों पर इसको मनाते हैं। ऋषि पंचमी पूजा कैसे करनी चाहिए और इसकी कथा क्या है, वो मैं आप सभी को बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ किसी ना किसी के साथ ये इश्यूज ज़रूर हुए होंगे और आप ही लोगों की क्वेरी थी जिसको लेके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ऋषि पंचमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके आप एक चौकोर आकार का मंडल बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि देखिए हम कहते हैं ना चौकी बिछा चौकी रखिए, चौकी पर ही करिए, चौकी चारों तरफ से बराबर। तो एक चौकोर आकार की चौकी ले लीजिए, वहां पर एक इन्हीं सब चीजों को मिलाकर मंडल बनाइए। मंडल पर आप सप्तऋषि की प्रतिमा को स्थापित करिए, नहीं तो सप्तऋषि का चित्र भी आप ला सकते हैं, और उसको लाने के बाद में शुद्ध जल से और पंचामृत से उनको स्नान कराइए। फिर उनके ऊपर टीका, चंदन, कुमकुम, रोली, हल्दी, इसका तिलक करिए, फूलों की माला उनको आप पहनाइए, और सप्तऋषि को पुष्प अर्पित जरूर करिए। उन्हें पवित्र धागा जरूर पहनाइए, कलावा जरूर बांधिए, फिर सफेद रंग के वस्त्र, 7 सफेद रंग के वस्त्र उनको अर्पण करिए। साथ ही में जो भी फल है, मिठाई है, इन सबको आप जरूर अर्पित करिए, और जहां पर आप पूजा कर रहे हैं दीपक जरूर जलाइए, धूप जरूर जला कर रखिए। कई क्षेत्रों में ना इस पूजा की प्रक्रिया नदी के किनारे यानी कि तालाब के पास भी देखी जाती है, लोग वहां पे भी करते हैं इसको। और इस पूजा के बाद ना महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती हैं, तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अनाज तो बिल्कुल भी आपने नहीं खाना है। लेकिन ऋषि पंचमी के दिन एक खास तरह के चावल का सेवन जरूर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सावक के चावल, क्षमा के चावल भी कुछ जगहों पे बोला जाता है, तो आप चाहे तो इसका सेवन कर सकती हैं। अब इसकी पूजा कैसे करनी है वो तो मैंने आप सबको बता दिया है, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है पूजा का। लेकिन इस दिन ना पास के किसी पवित्र नदी में अगर है आपके घर के पास में, तो वहां पर जाकर आप इस पूजन को कर सकते हैं। वो पॉसिबल नहीं है तो घर पे ही कर लीजिए। नदी में स्नान करने के बाद आप सप्तऋषि की प्रतिमाओं को पंचामृत से स्नान जरूर कराइए। अब अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में ही गंगा जल डालकर पहले अपने आप को स्नान कराइए, ये बहुत जरूरी है। गंगा जल डालकर स्नान करना आपके लिए बेहद ही उत्तम माना जाता है, और इसके बाद आप उनके ऊपर चंदन और सिंदूर का तिलक जरूर लगाइए, फल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, सुगंधित धूप उनको दिखाइए। ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है पूजा का, लेकिन इस छोटे से प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा हम कर इसीलिए रहे हैं कि जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसकी क्षमा हमें मिल जाए। इसके बाद आप मंत्र जाप कर सकते हैं बैठकर, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सफेद वस्त्र आपने जरूर लेने हैं, आप चाहे तो 7 हैंकी ले लेना, व्हाइट कलर के टॉवल ले लेना, वो आप सातों ऋषियों को चढ़ा सकते हैं। ऋषि पंचमी के व्रत को जब भी आप रखेंगे तो आप पवित्रता का जरूर ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। सप्तऋषियों की मूर्ति की स्थापना करना या उनके फोटो फ्रेम की स्थापना करके उनकी पूजा करना ना आज के दिन बेहद ही उत्तम और खास माना जाता है। और आज के दिन कहते हैं कि लोक कथाएं सुनना भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऋषि पंचमी का महत्व क्या है वो अब आपको बताती हूँ। इस व्रत में लोग उन प्राचीन ऋषियों के महान कार्यों का सम्मान, कृतज्ञता और स्मरण व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। ये व्रत पापों का नाश करने वाला होता है और हमें उत्तम फल देने वाला होता है, अगर ये पारंपरिक अनुष्ठानों के एक उचित तरीके से हम इनको कर लेते हैं तो हमें हर तरह से हमारी जो भी जाने अनजाने भूल चूक हुई है उसकी क्षमा याचना हम जरूर कर पाते हैं। ऋषि पंचमी त्योहार या फिर मैं कहूँ उपवास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार बनाता है, और श्रद्धा का आभार, समर्पण और ऋषियों के प्रति सम्मान हम अपना उनको देते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ऋषि पंचमी व्रत कथा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण दिन है ये। एक बार एक राज में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। इनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक बहुत ही अच्छे और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में कर दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लड़की के पति की अकाल मृत्यु हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, और इस कारण अपने पिता के घर पर वो वापस लौट आती है।
ठीक इसी बीच में लड़की के पूरे शरीर पर ना छोटे छोटे कीड़े से पड़ जाते हैं, उसकी स्किन में दिक्कत हो जाती है। तो उसके संक्रमित शरीर को देखने के बाद वो दुख से व्यथित हो जाते हैं और अपनी बेटी को उत्तक ऋषि के पास ये जानने के लिए लेकर जाते हैं कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। उत्तक ऋषि ने उन्हें बताया कि कैसे उसने फिर से एक मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लिया है। उन्होंने कन्या को पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। ऋषि ने कहा, अपने माता पिता को लड़की के पहले जन्म के विवरण के बारे में जब बताया और कहा कि कन्या पिछले जन्म में मनुष्य थी, उन्होंने आगे कहा कि रज्जुस्वाला महावारी होने के बाद भी इसने घर के बर्तन आदि को छुआ था, जिसके कारण इसे इन सभी पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। जाने अनजाने में किए गए इस पाप के कारण उसके पूरे शरीर पर कीड़े पड़ गए थे। तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक लड़की या महिला अपने मासिक धर्म यानी कि जब वो रज्जुस्वाला या महावारी पर पूजा का हिस्सा नहीं बन सकती है, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और उसे किसी भी तरह इसकी सजा तो भुगतनी थी, क्योंकि कर्म करना है तो फल तो मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो अंत में ऋषि ने निष्कर्ष निकाला कि यदि ये कन्या ऋषि पंचमी की पूजा करे, वो पूरे मन से और श्रद्धा से क्षमा मांगे, तो उसे अपने पापों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार व्रत और श्रद्धा रखने से उनकी पुत्री अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्त हो गई। तो ये बहुत ही प्यारी सी कथा हमें बताती है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते थे वो गलत नहीं कहते थे। हमारे जो ऋषि मुनि इतनी तप करते थे, तप करने के बाद में हम तो सिर्फ उनको भोजन करा के उनसे आशीर्वाद ले लिया करते थे, लेकिन आजकल हम इस प्रैक्टिकल दौर में आ गए हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान भी मंदिर जाया जाता है, है तो हमारी ही बॉडी का ब्लड, मतलब इस तरीके की बातें की जाती है जो कि सुन के ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहले ही हम कलयुग में हैं और हम अपने आप को और गड्ढे में धकेलते जा रहे हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा एस्ट्रोलॉजर्स कह लीजिए, या मैं कहूँगी जिनको जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, जो कहते हैं कि ये सब बेतुकी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सत्य यही है, सच यही है कि कभी भी फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान मंदिर में नहीं जाना चाहिए, अपने घर के मंदिर से दूर रहना चाहिए। अगर घर में कोई पूजा हो रही है, पाठ हो रही है और आपको पीरियड्स हो रहे हैं, तो आपको तब भी उस पूजा पाठ की किसी भी वस्तु को टच नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो देखिए, पुण्य तो कुछ मिला नहीं लेकिन पाप के भोगी हो जाते हैं। अब आप में से कुछ लोग सवाल करते हैं कि मैम, अगर हम कोई व्रत रख रहे हैं और ऐसे में हमें पीरियड्स हो जाए तो हम क्या करें? तो देखिए, आप व्रत रखिए, क्योंकि वो आपका नियम है, आप अन्न त्याग कर रही हैं उस दिन, तो आप व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप पूजा नहीं करेंगी, आप पूजा के किसी चीज को टच नहीं करेंगी। तो ये एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी कथा थी, और ये सुनाना आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप ही में से कुछ लोगों ने कहा कि मैम, पता नहीं उन्होंने कौन से चैनल पे या क्या सुन लिया कि पीरियड्स में भी मंदिर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली का कोई भी फीमेल मेंबर इस तरीके के पाप का भागी ना बने, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप सब तक ये एक महत्वपूर्ण सूचना ज़रूर लेकर आऊँ कि ये बहुत ज़रूरी है, आप इस बात का ध्यान रखिए। और ऋषि पंचमी का पूजन अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। आप चाहे तो फलाहार करके व्रत कर लीजिए, लेकिन इस बार करके देखिए, आप देखेंगे कि जो आपको पूजा के टाइम पे पीरियड्स आ जाते हैं, फिर आप पूजा नहीं कर पाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा जाने अनजाने कुछ ऐसा कर्म किया गया है जिस वजह से आप पूजा नहीं कर पाती हैं। जय माता दी।